अभी आप पहुँचे हैं फतेह सागर, इसको महाराणा सागर भी बोलते हैं, और ये बस अड्डे से अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 किलोमीटर होगा। यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, स्पेशली कुल्लड़ वाली चाय। और मेरे पीछे की तरफ है ये फतेह सागर है, सोमेश्वर जस्ट लाइक पिछोरा लेक। और यहाँ पे इसके जो राइट लेफ्ट साइड में जो है वो शॉप्स बनी हुई है चाय वगैरह की। यू आर फीलिंग हंग्री देन यू कैन हैव समथिंग हियर। और ज़्यादातर यहाँ पे बैठ के आप चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा भी ले सकते हैं पीछे का, और यहाँ पे घूम सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है चीज़ों को देखने के लिए। सो नाउ वी हैव ओनली 2 डेज़ हियर, सो वी वुड लाइक टू कवर ऑल द टूरिस्ट प्लेस हियर। एंड ये एक फ्रेंड है हमारा जो हमें यहाँ पर मिला, उसका नाम अनिल है, और ये फतेह है। क्या नाम है तुम्हारा? फतेह सिंह देवड़ा। ये तो मतलब इसका लेक का नाम भी फतेह लेक है और इसका नाम भी फतेह सिंह देवड़ा है। बैरियर की तरह नाम ले लेते हैं, इसका हाथ में तलवार होनी चाहिए। तो इट्स लाइक सम काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ है यहाँ पे आप आ सकते हैं तो यू कैन एंजॉय टी और पिज़्ज़ा और समथिंग बर्गर लाइक हियर, एंड यू कैन आल्सो एंजॉय द व्यू ऑफ दैट सागर हियर, फतेह सागर। ओके थैंक यू वेरी मच। नाउ वी वुड लाइक टू कवर अनदर डेस्टिनेशन फॉर यू। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक्वेरियम, एंड दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ फतेह सागर, इस साइड में एंड ऑफ द फतेह सागर। और ये जो एक्वेरियम है ये बोला जाता है कि ये जो है ना बिगेस्ट एक्वेरियम ऑफ दिस सिटी उदयपुर, और फतेह सागर से अटैची है। अब यहाँ पर जाकर देखते हैं कितने का टिकट है और क्या क्या कौन कौन सी फिश हैं एक्वेरियम के अंदर, क्या 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 मतलब किस टाइप का एडवेंचर होने वाला है, किस टाइप की रोमांचक चीज़ें हैं इसके अंदर। तो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड, देखते हैं टिकट कितने का है, फिर उसके अंदर की वीडियो आपको दिखाते हैं। ये एक्वेरियम का टिकट है, यहाँ पर इंडियंस के लिए 137 है और फॉरनर्स के लिए वो 273 का है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे टिकट ले सकते हैं, फिर इसके अंदर का रास्ता इनसाइड का, इनसाइड द व्यू। और हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर देखते हैं कैसे। नाउ वी आर इनसाइड द एक्वेरियम, और ये एक्वेरियम के अंदर का व्यू है। तो ये गेट है, एंट्री गेट, यहाँ पे स्टिंग्रे फिश है जो इसके अंदर रखी हुई है एक्वेरियम के अंदर, स्टिंग्रे फिश। एंड आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एक्वेरियम। प्लीज कम, अरे उसका टारगेट। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द एक्वेरियम, यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्लास के अंदर। तो मुझे अभी गोगल सुधारने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सिल्वर एरोवाना, ये जो फिश है ना सिल्वर एरोवाना, इट्स लाइक वेरी क्यूट फिश। प्लीज कम, यहाँ पे भी बहुत सारी फिशेस वगैरह लगी हुई है। ओ माय गॉड, सो दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस इज द ब्यूटीफुल सीन दैट वी कैन एंजॉय द सी फिश हियर। और बाकी आप देख सकते हैं इधर बहुत ज़बरदस्त है। इसका नाम अंडर द सन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे सनरेज वगैरह बिल्कुल नहीं आती है। तो और बाकी के टूरिस्ट भी आए हुए हैं हमारे साथ इधर, हमसे पहले पहुँचे हुए। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं फिश की, अगर तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये फिश है, बहुत ब्यूटीफुल सी है ये। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? सर प्लीज कम, वी आर शूटिंग द वीडियो। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? राजस्थान से। राजस्थान से भरतपुर से आए हुए। सर क्या नाम है आपका? राहुल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हेलो मोदी। हेलो। तो ये मज़ा आ रहा है आपको इधर? बहुत मज़ा आ रहा है ना, मतलब जो टिकट है वो सर्विस है। ओके सर, चैनल है हमारा BSK के नाम से, सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब नाउ इफ यू वांट। तो ये यहाँ तो और भी चीज़ है बहुत सारी। दिस वन हैज़ हम्प, यू नो लाइक ये हम्प है इसका, जैसे वो होता है ना कुंवर निकला हुआ होता है ऊंट के जैसा। कितनी इंटरेस्ट, मतलब सम काइंड ऑफ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग स्पीसीज ऑफ द फिश। यहाँ पे भी ये बहुत इसी टाइप से इसमें फिश के चीज स्पीसीज रखी हुई है बहुत सारी। तो इन्होंने इनका ये जो एक्वेरियम है ना, इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी। इफ यू आर वॉचिंग दिस एक्वेरियम, तो इसके लिए कहा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन भी आता है PMT में कि आर्टिफिशियल एक्वेरियम किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल नेच किसको कहा जाता है हैबिटेट फिश की। तो वो यही
एक्वेरियम को आर्टिफिशियल कहा जाता है, पर मेरे साथ अखिलेश भाई हैं जो बिहाइंड द कैमरा है, ही इज रिकॉर्डिंग ऑल द वीडियोस। सी दिस वन इज इसको रेडिश कैटफिश बोलते हैं, इसको रेड टेल कैटफिश बोलते हैं क्योंकि इसकी जो टेल है वो रेड है, इसकी इसको रेड टेल कैटफिश। ये वाली जो फिश है इसको देख सकते हैं आप, ये कितनी खूबसूरत है, इसको टिन फॉइल बाब्स बोला जाता है, इसका जो कॉमन नेम है वो टिन फॉइल बाब्स है। ओह माय गॉड, आप देखने वाले हैं, ये देखो इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल सी फिश है, ये बहुत छोटी छोटी खूबसूरत फिश है, ये जो है इसको रेड लाइन फिश बोलते हैं, ये देखिए रेड लाइन फिश, इसको रेड लाइन फिश कहा जाता है, और ये इसका क्योंकि इसका जो वो है कलर जो लाइन की तरह है, और भी बहुत सारा है इसमें, और मैं आपको दिखा दूँ, कैमरामैन को भी दिखा दूँ, ये हमारे कैमरामैन हैं और ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे, अदर टूरिस्ट, तो यू कैन सी हियर लाइक लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग, और ये बैठने के लिए जगह भी है, बीच में सीढ़ी वो बना हुआ है, सोफे वगैरह रखे हुए, और मैं और अंदर की तरफ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये स्मॉल स्मॉल फिश रखी हुई है यहाँ पे इसके अंदर, ये उन्हें बहुत अच्छे से बना, ओ माई गॉड, तो ये किसी मरमेड का इन्होंने वो बनाया हुआ है यहाँ पे, आर्टिफिशियल बनाया हुआ, और ये देखिए, ओ माई गॉड, सो मच लाइक सो क्यूट, दिस पीस इज सो क्यूट, यू नो लाइक आई डोंट नो हाउ टू से लेजेंड्स अबाउट मरमेड्स, ये लेजेंड्स है अबाउट मरमेड, इसके फैक्ट दिए हुए हैं कुछ, और ये यहाँ पे जो इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने बताया, ये बुद्धा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड चक्कर एंड टाउन प्लानिंग इन्होंने प्लान किया हुआ है इसके बारे में, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं अंदर की तरफ, ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा, प्लीज़ इसको देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये म्यूजियम के अंदर एक और म्यूजियम है, इस लाइक काइंड ऑफ हॉलीवुड मूवी सस्पेंस और टॉलीवुड मूवी सस्पेंस, जैसे आप साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप के कुछ अंदर 3D स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो इसका चार्ज है 100 रुपीज़, और जो 3D स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो वहाँ पे बहुत सारी थीम है, जो आपको 3D स्ट्रक्चर के अंदर 3D थीम्स के अंदर आप आगे सामने जाके फोटो खींच सकते हैं, ग्रुप में सिंगल सोलो फोटो, ये इसकी एंट्री है, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पे करने होते हैं इसके अंदर जाने के लिए, देन यू कैन गो इनसाइड आफ्टर टेकिंग टिकट, और उसके अंदर जो 3D थीम्स है उसके सामने आप पिक्चर ले सकते हैं, उस टाइप की जो ड्राइंग बनी हुई है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइक यू आर इनसाइड द सी, और यू आर लाइक हैविंग द एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस ऑफ फिशेस, और लाइक 3D एक्सपीरियंस। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह राठौर, ही इज अ स्मार्ट गाय इन दिस एक्वेरियम, इनसाइड द एक्वेरियम, एंड ही हैज दिस मसाज मशीन, तो आप यहाँ पे मसाज करा सकते हैं ना, इसका कितना चार्ज है? 150 है इसका 10 मिनट, और वहाँ पे इसके वो लिखे हुए हैं, मुझे बोर्ड आ रहा है ना वो स्क्रीन लगी हुई, वहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि बेनिफिट क्या क्या है, तो आप यहाँ पे मसाज करा सकते हैं एक्वेरियम के अंदर आके, और ये क्या इधर? हाँ ये फिश स्पा, यहाँ पे पैर डाल के स्पा कर सकते हैं, क्या नाम है आपका? पवन सुथार। पवन सुथार, 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 SUTHR, इनका नाम है पवन SUTHR, ओके, हाँ आई गॉट इट, सुधार है, तो इसमें मज़ा आ रहा है? मज़ा बहुत आ रहा है। कितना? मतलब वो तो हम बता नहीं सकते कितना, तो ये बता नहीं सकते कि इनको कितना मज़ा आ रहा है, बट यहाँ पे आप मसाज करा सकते, इसका कितना, आप हैं आपके इंचार्ज, क्या नाम है आपका? दिव्या सुथार। दिव्या सुथार, आप भी सुधार हैं, आप भी SUTHR हैं, तो ये भी SUTHR है, इसका चार्ज कितना है? 150। इसका चार्ज 150, एंड आई थिंक सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और ये इसको बोलते हैं फिश स्पा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये फिश स्पा का मज़ा ले सकते हैं, तो ये तो तुम्हारा अपना पार्लर है ना, तो तुम्हारे अपने पार्लर के खुद ही मज़े ले रहे हो, आइसक्रीम बेचने वाला कभी आइसक्रीम नहीं खाता यार सुथार जी। चलो ये डेमो दे रहे हैं, तो करना चाहिए ना आइसक्रीम का, कैसी बनी है? हाँ टेस्ट करना चाहिए, और मैं बताऊँ उदयपुर वालों अब मछली खाना बंद कर दो, क्योंकि ये क्या करती है मछलियाँ, क्या करती हैं आपके पैरों पे आके काटती है ना, तो ये बहुत मज़ा आता है, मतलब यू कैन एंजॉय द एडवेंचर, इस काइंड ऑफ एडवेंचर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और सुथार बहुत स्मार्ट लग रहा है, शादी हो गई सुथार? नहीं हुई अभी तक, तो कोई भी लड़की हो तो इसे शादी के लिए ज़रूर प्रपोज करें।
ये यहाँ पे आ सकते हैं और बाकी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द म्यूजियम। ये एंड पॉइंट अभी ऊपर भी है, ऊपर क्या क्या है? अच्छा फिश फ्लोर है, तो हम लोग अभी ऊपर की तरफ जाएंगे, फिश फ्लोर में ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एंजॉय। तो अभी हम लोग हैं फतेह सागर से हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं महाराणा प्रताप स्मारक, और इसको नेहरू पार्क भी ज्वाइंटली कहा जाता है और महाराणा प्रताप पार्क भी कहा जाता है। तो हम लोग अभी अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर के अंदर क्या है, किस टाइप का प्लेस है, कैसा है, वो आपको जाके अंदर जाके बताएंगे अभी। तो ये जो प्रताप स्मारक के अंदर जो ये जगह है, इसको बोलते हैं मोती मगरी। यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ से इससे यहाँ से उदयपुर दिखाई देता है अंदर की सिटी। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई बहुत सारी ऊपर जाने के लिए। तो स्मारक बना हुआ है यहाँ पे, आई थिंक ऊपर जाके देखते हैं क्या चीज़ बनी हुई है। यहाँ तक आप बाइक से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं यहाँ का रास्ता। एंड वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस प्लेस, यहाँ का जो प्लेस है उस पर सबसे टॉप की तरफ है हम लोग यहाँ पे मोती मगरी पे। और ये चेतक स्मारक है, महाराणा प्रताप का स्टैचू लगा हुआ है घोड़े का, चेतक का। और इस नीचे की साइड पे जो है फतेह सागर है, और इस साइड जो है ये यहाँ से उदयपुर सिटी दिखाई देती है और उधर वैली दिखाई देती है पहाड़ों की। तो यहाँ से देखो प्लीज़, इधर की साइड में जो है फतेह सागर व्यू दिखाई देता है बहुत अच्छा। यहाँ पे खड़े होकर फोटो शूट कर सकते हैं। स्मारक की तरफ है, दिस इज द टॉप पॉइंट ऑफ दिस प्लेस। और यहाँ से मेरे पीछे से जो व्यू है वो फतेह सागर का है, और इस साइड में जो है वो उदयपुर सिटी है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट पूरी उदयपुर सिटी दिखाई देती है, इस साइड जो वेस्ट साइड की जो उदयपुर सिटी है वो पूरी दिखाई देती है, और इस साइड में जो सागर दिखाई देता है। तो यहाँ से आप उस व्यू के बहुत अच्छे मजे ले सकते हैं, और इसको आई थिंक सनसेट और सनराइज पॉइंट भी कह सकते हैं एक टाइप से, क्योंकि यहाँ पे टॉप मोस्ट, मतलब यहाँ का जो टॉप मोस्ट प्लेस है जहाँ पे नेचुरली जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी, कुछ भी बनी, तो यहाँ से आप उसके नज़ारे ले सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग हो सकती होती है, तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, और इधर से ऑलमोस्ट दिखाई देता है सारा उदयपुर सिटी यहाँ से दिखाई देता है। और नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ जाके कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं, जैसे वो लोग झूले वगैरह कर रहे हैं, और इधर पार्क टाइप का दिखाई देता है, खेती बाड़ी दिखाई देती है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे आके, और अच्छा खासा यहाँ से नज़ारा है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा। और इधर ये जैसे मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे एक स्मारक है, और ये स्मारक देख सकते हैं, यहाँ पे चेतक घोड़े का वो लगा हुआ है, और ये छोटू यहाँ पे कहीं पे घूमने आया हुआ है। छोटू से हेलो। तो ये उसके स्मारक के नीचे की तरफ का जंगल है, बहुत नेचुरली है, यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई थिंक जो ये प्लेस है, यहाँ पे झाड़ियाँ टाइप की हैं बहुत सारी, और यहाँ पे घूम सकते हैं, इट्स लाइक काइंड ऑफ एडवेंचर। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट में हम लोग आ गए, अगर ये यहाँ पे रास्ता नहीं बना होता तो एकदम नेचुरल फॉरेस्ट टाइप का लगता, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है, ये कैक्टस टाइप का है, और यहाँ पे एकदम अनडिस्टर्ब टाइप का फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे जब उसके यहाँ पे आए तो उसके नीचे की तरफ आ सकते हैं, ये दीवार वगैरह बनी हुई है, बॉल बनी वगैरह, पहले यहाँ पे कोई रहता होगा आई थिंक। नीचे की तरफ अच्छा थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दिया इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो मैं अभी इधर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से भी जो सागर है उसका व्यू दिखाई देता है बहुत अच्छा। और जैसे कि बताया था उदयपुर में तो ज़्यादातर सागर ही सागर है, यहाँ पे लेक ही लेक है, इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। तो इसलिए अभी फिर से जो सामने से ऊपर से नज़ारा दिखाई दे रहा था वो वहाँ से यहाँ पे भी है, और यहाँ से भी दिखाई देता है वो नज़ारा, बहुत अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे टाइटैनिक वाला पोज दे सकते हैं इस टाइप से, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ हीरोइन होनी चाहिए और हम सिंगल हेयर, तो यहाँ पे पोज दे सकते हैं इस टाइप से, और बस यू कैन एंजॉय हेयर, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अभी
गांधी उद्यान एंड दिस इज द लाइक द अनदर फेमस प्लेस ऑफ उदयपुर। इधर फतेह सागर है और इस साइड में जो है राजीव उद्यान है और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। ये पीछे की तरफ सीढ़ियाँ हैं और फव्वारे लगे हुए हैं। अभी जो दिन का, क्योंकि अभी दिन का 2 बजे हैं लगभग, लेकिन शाम के टाइम में ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे लाइटिंग होती है और ये फव्वारे चलते रहते हैं तो वहाँ से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है और इतना खूबसूरत लगता है ना कि एक तरफ पहाड़ी का व्यू आ रहा है और दूसरी तरफ जो है ये इसमें पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मेंटेन करके रखा गया है। और अगर आप उदयपुर आ रहे हैं और फतेहगढ़ सागर के पास आएँ तो हार्डली वहाँ से 2 किलोमीटर्स है ये, और जो सिटी सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 10-10 रुपये का टिकट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। इस काइंड ऑफ लाइक फेमस प्लेस फॉर कपल्स ऑल दैट। और यहाँ पे नॉर्मली सिंगल बंदा भी आ सकता है, क्योंकि जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर घूमने के लिए आए। तो मैं अभी काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि हम सुबह से वीडियोस बना रहे हैं और ये इसके के पार्क के अंदर का नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ से ये मेन गेट है उधर वाला, और बीच में जैसा कि मैंने बताया था फव्वारे वगैरह है। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ पार्क ना, तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट करूँगा तो इट विल बी लाइक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये बहुत सारी डियर्स वगैरह के वो बनाए हुए हैं उन्होंने स्टैचू, और उधर भी ब्लैक चिंकारा डियर, तो इस टाइप के आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है। इसके बाद हम दूसरे पैलेस जाएंगे, सिटी पैलेस में, वहाँ की वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मस्त प्लेस है वो। ये जगदीश मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पे टूरिस्ट अक्सर जो यहाँ पे आते हैं उदयपुर, वो यहाँ पे आ जाते हैं जगदीश मंदिर में मनोकामना पूरी कराने के लिए। और ये यहाँ पे कुछ इसका जो काफ़ी पुराना मंदिर है, आई थिंक राजा ने बनवाया था ये, तो इसके अंदर का मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अंदर शायद फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं अभी बाहर से दिखा देता हूँ। ये वो मेन गेट था मंदिर का और ये इसके अंदर का व्यू है, और ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका आर्किटेक्ट जो है बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत पुराना है, प्राचीन है, और लोगों का ये कहना है कि उनकी आस्था पूरी होती है इधर आते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही फाइन इसमें कारीगरी की गई है, आप देख सकते हैं इसको जैसे ये चित्रकलाएँ की गई हैं इस पर, बहुत ही सुंदर। और वो दुर्गा माँ का मंदिर है उस साइड में, और ये टूरिस्ट हैं इधर फोटो खिंचवाते रहते हैं। आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ उदयपुर इज दिस इज जगदीश टेम्पल। ये प्राचीन मंदिरों में से एक है यहाँ के, और उस साइड में दूसरी साइड में स्वरूप जी का मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। मैं भी मंदिर के राइट साइड में हूँ, तो यहाँ से आप तो देख सकते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, तो आस्था के अनुसार वो करते हैं। इसके बाद हम दूसरा आपको सिटी पैलेस दिखाएंगे या कोई दूसरी चीज़ दिखाएंगे।